नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर है लॉरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर कुल्लू। आइए नजर डालते हैं खास टॉप अपडेट्स पर। लॉरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शमशी के अमन आनंद और राधिका सूद ने सेट पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 की परीक्षा की उत्तीर्ण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे एक दिवसीय बाली चौकी क्षेत्र प्रवास पर। जिला भाजपा मनाली तथा कुल्लू मंडल के नेता पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भुंतर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का किया भव्य स्वागत। वन परिवहन युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के 450 से अधिक लड़के लड़कियां ले रहे हैं भाग। जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भुंतर एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। कार्यकारी अध्यक्ष दिलेराम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारी हितेशी है। गौ सेवा को उठे सैकड़ों हाथ। जिला उपायुक्त के आग्रह पर गौ सदन में श्रमदान के लिए उमड़े लोग। बजौरा में उपायुक्त और अधिकारियों ने लोगों के साथ किया श्रमदान। सूत्रधार कला संगम कुल्लू के सभागार में 41वें सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव का आगाज। प्रिंस सूत्रधार व प्रिंसेस सूत्रधार प्रतियोगिता के प्रथम चरण से हुई शुरुआत। HRTC द्वारा रोहतांग के लिए चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों के लिए टिकटों को ब्लैक में बेचने का मामला आया सामने। 600 रुपए की टिकट पर्यटकों को बेची जा रही है 2000 रुपए में। भुंतर पुल से एक महिला ने छलांग लगाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने जान बचाकर किया पुलिस के हवाले। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल को ऊंचा करने व जाली लगाने की गुहार लगाई ताकि हादसा होने से टले। टीम री इमेजिन जिंदगी के नौजवानों ने 3 डोनर्स को रक्तदान के लिए किया तैयार। जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाकर 3 जिंदगियों को दिया नवजीवन। हमीरपुर में मजदूर ने उद्योग कंपनी प्रबंधकों पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 4 सालों से साजिश का शिकार हो रहा है कामगार। पेशे अब टॉप अपडेट्स विस्तार से। वन परिवहन युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक खेल विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। शनिवार को ढालपुर मैदान में 27वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भूमि उपलब्ध होते ही यहां आधुनिक स्टेडियम तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जिला एथलेटिक्स संघ को 30,000 रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले खेल मंत्री का स्वागत करते हुए जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के 450 से अधिक लड़के लड़कियां भाग ले रही है। प्रतियोगिता में 14, 16 और 20 वर्ष के आयु वर्गों में विभिन्न दूरियों की दौड़ स्पर्धाओं के साथ साथ लंबी कूद, गोला फेंक और अन्य स्पर्धाएं भी करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता मंडी के सावन बरवाल, ऊना के अनिकेश चौधरी और चंबा की कैनिनो भी भाग ले रही है। उद्घाटन समारोह में युवा सेवाएं व खेल विभाग की अतिरिक्त निदेशक सुमन रावत मेहता, विभिन्न जिलों के संघों के पदाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता ठाकुर, आंचल ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। हिमाचल प्लस के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। इस तरह की स्टेट लेवल की एथलेटिक्स मीट 2007 के बाद नहीं हुई थी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हमारी एथलेटिक एसोसिएशन है और इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज और इनकी टीम को बधाई देता हूँ। इतने वर्षों के बाद कुल्लू में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स मीट हमारी हो रही है और उसके साथ ही कि प्रदेश में हमने कहा है कि अब इसका मूलभूत ढांचा हमारा बढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कोई अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अकेडमी आए, उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। और बाकी जहाँ कुल्लू मनाली के हम रहने वाले हैं, यहाँ पर हमने ये कहा कि एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसका जो ढांचा है इसको भी बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी प्रतिभाएं जाती हैं उन सब के लिए हम हिमाचल प्रदेश में ही मूलभूत ढांचा खड़ा कर सकें। आज सूत्रधार कला संगम कुल्लू के सभागार में 41वें सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव का आगाज प्रिंस सूत्रधार व प्रिंसेस सूत्रधार प्रतियोगिता के प्रथम चरण से शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन द्वारा किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में आए हुए सभी प्रतिभागियों तथा उनके साथ आए हुए अध्यापकों व अन्य मेहमानों का स्वागत किया। प्रतियोगिताओं का आगाज करते हुए महासचिव सुंदर श्याम मंत ने इन प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इस प्रतियोगिता के दौरान मंच संचालक की भूमिका निभाई।
इस प्रतियोगिता में अनेक स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। प्रिंस सूत्रधार व प्रिंसेस सूत्रधार प्रतियोगिता के संयोजक सुरेश वॉ द्वारा प्रदर्शित करके बताया गया कि बच्चे किस प्रकार से अपने आप को इस प्रतियोगिता में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानिंदर कपूर, सचिव मोनिका सागर, सचिव मंजुला शर्मा व लोक नृत्य प्रभारी सीमा शर्मा द्वारा निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई गई। इन चयनित हुए प्रतिभागियों का प्रशिक्षण सत्र 10 जून 2018 को प्रातः 11 बजे सूत्रधार भवन के सभागार में होगा। हिमाचल प्लस के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। 21 जून 1977 को सूत्रधार कला संगम की स्थापना हुई थी। इसी कड़ी में 2002 से हमने सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में बच्चों की जो पाठशाला है उनकी प्रतियोगिता यहाँ शुरू की थी। वही कड़ी आगे बढ़ाते हुए आज 2018 में ये संस्था अपना 41वां स्थापना वर्षगांठ उत्सव मना रही है। यहाँ सूत्रधार के सभागार में प्रारंभिक प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ, जिसमें प्रिंस और प्रिंसेस सूत्रधार का प्रिलिमिनरी राउंड का हमने यहाँ आयोजन किया। इसमें जो 15-15 बच्चों का चयन किया जाएगा जो कि मुख्य मंच पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे प्रतियोगिता में। बेसारा पशुओं के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों से बजौरा के निकट स्थापित किए गए गौसदन एवं चरागाह में शनिवार को उपायुक्त यूनुस और जिला के अन्य अधिकारियों ने स्थानीय लोगों तथा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ श्रमदान किया। उपायुक्त के आह्वान पर ग्राम पंचायत बजौरा के अलावा ग्राम पंचायत न्यूल हाट कलहली मशग्राम बला और अन्य पंचायत के लोगों, महिला मंडल, युवक मंडल, नेहरू युवा केंद्र, महिला स्वयं सहायता समूह, आर्ट ऑफ लिविंग, कार सेवा दल, हिमालयन रोवर्स, री इमेजन जिंदगी तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं सहित लगभग 500 लोगों ने गौसदन परिसर की सफाई की तथा वहां पड़े पत्थरों को हटाया। इसके अलावा पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस गौसदन परिसर पर अभी तक 20 लाख रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इस परिसर में सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। गौसदन के संचालन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पूरे परिसर की बाड़बंदी की जाएगी, पशुओं के अतिरिक्त खुरीलियां बनाई जाएगी तथा एक बड़ा बर्मी कंपोस्ट पिट बनाया जाएगा। इस अवसर पर सहायक आयुक्त सनी शर्मा, वीडियो चेतराम, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर संजीव नड्डा, अन्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा आम लोगों ने भी श्रमदान किया। एक दिवसीय वाली चौकी क्षेत्र प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला भाजपा मनाली तथा कुल्लू मंडल के नेता पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भुंतर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। वहीं आनी तथा बंजार मंडल के नेता पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने लारजी में मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। 9 जून को SFI कुल्लू जिला केंद्र की बैठक हुई, जिसमें SFI कुल्लू ने तमाम छात्रों को बधाई दी कि उनके लंबे संघर्ष के चलते रूसा प्रणाली के अंदर सेमेस्टर सिस्टम को बंद किया गया है। आने वाले समय में कॉलेजों में परीक्षा साल में एक बार ही कराई जाएगी। 15 जून से कॉलेजों में दाखिले शुरू हो जाएंगे, परंतु अभी भी संबंध में विवाद बना हुआ है कि छात्रों को किस प्रणाली के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आने वाले समय में 15 जून से SFI भी पूरे जिला के कॉलेज में अपने मार्गदर्शन केंद्र लगा रहे हैं और SFI हर साल की भांति इस बार भी छात्रों के प्रवेश के संबंध में अपने मार्गदर्शन केंद्र लगाएगी। 15 जून से 24 जून तक फॉर्म जमा होंगे और 25 जून से 27 जून तक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हिमाचल प्लस के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील ठाकुर, मैं SFI कुल्लू का महासचिव हूँ। आज जिला केंद्र की हमारी बैठक हुई, जो 8 तारीख हुई। शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान लिया गया कि रूसा ये जो वार्षिक सिस्टम प्रणाली है उसको खत्म शुरू किया जाएगा और जो सेमेस्टर सिस्टम है इसको बंद किया जाएगा। और SFI इसमें तमाम छात्रों और तमाम संगठनों की जीत मानती है, जो उनके लगातार संघर्षों के कारण ये संभव हुआ है। और इसमें साथ साथ SFI का प्रश्न ये है कि लेकिन ये फैसला जो लिया गया है ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी भी ये तय नहीं है कि किस तहत कॉलेजों में आने वाले समय में प्रवेश होगा और जो आने वाले समय में किस तरह की किताबें, किस तरह का सिलेबस छात्रों को पढ़ने को मिलेगा। SFI मांग करती है शिक्षा मंत्री से और प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द उनकी जो नीति है, किस तरह के सब्जेक्ट छात्रों को पढ़ने पड़ेंगे, किस तरह से आने वाले समय के अंदर कॉलेजों में एडमिशन होंगे, ये तय किया जाए ताकि छात्र दुविधा में न रहे। और आने वाले 15 तारीख से SFI कुल्लू के अंदर मार्गदर्शन केंद्र लगाएगी, इसमें तमाम छात्रों को मार्गदर्शित करेगी और उनको सही तरीके से उनको गाइड करते हुए उनके कॉलेज में प्रवेश से लेकर शैक्षणिक माहौल तक हर संभव कोशिश करेगी कि उनकी हर सहायता करे। और जिला कुल्लू के सरकारी अस्पताल में आज इमरजेंसी में 3 मरीजों को अचानक
3 यूनिट ए पॉजिटिव रक्त की जरूरत पड़ी। टीम री इमेजिन जिंदगी के नौजवानों ने बजौरा में श्रमदान के तुरंत बाद कुल्लू पहुंचकर 3 डोनर्स को तैयार किया और 3 जिंदगियों को नवजीवन देकर पुण्यदान किया, जिसमें रक्तदाता लोढालपुर से हरी, इनर सरवरी से पूरन, फोजल से रोविन ने रक्तदान किया। मनाली पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने हिमाचल सरकार को रोहतांग दर्रे के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने रोहतांग दर्रे के लिए 25 सीटों वाली 12 बसें शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने से शुरुआती दिनों में सैलानियों को राहत भी मिली। सैलानी 600 रुपए प्रति सीट अदा कर रोहतांग के दीदार करने लगे, लेकिन ये राहत अब आफत में बदल रही है। बस सेवा का फायदा सैलानियों को मिले और इसमें पारदर्शिता भी बने रहे, इसे लेकर सरकार ने इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दे दी। इलेक्ट्रिक बस सेवा की बुकिंग में अब धांधली होने लगी है। दलाल अब एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाकर 600 रुपए के इन टिकटों को ब्लैक में 2000 में सैलानियों को बेच रहे हैं। HRTC के बस कंडक्टरों ने इस धांधली का पर्दाफाश किया। इलेक्ट्रिक बस के इन कंडक्टरों ने ये मामला अड्डा प्रभारी प्रदीप कुमार के ध्यान में लाया। अड्डा प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मनाली थाने में शिकायत पत्र दिया और जांच का आग्रह किया। देखिए, मुझे लगता है कि हर बात सरकार के करने के लिए कहीं ना कहीं अपना भी मन आदमी को ठीक करना पड़ेगा, और यदि ये लगता है कि हर जगह पर कोई यानी सरकार का आदमी खड़ा रहे तो यही केवल मात्र इतना ही नहीं है, और यदि कोई ऐसा करता और अगर मामला कोई ध्यान में आता तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी यानी सरकार के नियम कायदे कानून के अनुसार। लेकिन मैं तो आज भी ये कहता हूँ, जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक पब्लिक अपने आप ये तय नहीं करेगी कि मुझे बेल्ट लगा करके गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चलाते मोबाइल नहीं सुनना है, मुझे अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग नहीं करना है, और जब तक आदमी अपने आप को खुद को नियंत्रण में करना नहीं सीखेगा तो हर चीज़ नियम कायदे कानून से ठीक होने वाली नहीं। और आपने कहा इलेक्ट्रिक बसेज में, अब इलेक्ट्रिक बसेज में कौन धांधली कर रहा, कोई लिखित में शिकायत करे। और मुझे लगता है कि जो कही बातें तथ्यपूर्ण कोई बात है कि फलां व्यक्ति ने ये किया और ये लिया, तो तब तो बात है, लेकिन अंदाजा करके करना, और निश्चित रूप से अगर कोई लगता है कोई इस प्रकार का कोई प्रूफ के साथ आए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। बरोटीवाला के झाड़माजरी स्थित मेडिसी फार्मा उद्योग के एक कामगार ने कंपनी प्रबंधकों व कंपनी के कुछ अन्य कामगारों पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ज्ञानचंद का कहना है कि वह कंपनी में 2011 से कार्यरत है। वह पहले स्टोर इंचार्ज के पद पर तैनात था और साथ में प्रोडक्शन का कार्य भी देख रहा था। कंपनी के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा व उसके प्रमोशन की जगह डिमोशन करवा दी। ज्ञानचंद का कहना है कि जब इसके कंपनी द्वारा सालाना वेतन वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई तो कंपनी ने इसके ऊपर दिल्ली की किसी पार्टी से कमीशन खाने का आरोप लगा दिया और कंपनी ने ईमेल कर ज्ञानचंद से इसका स्पष्टीकरण मांगा। के बाद कंपनी के प्रबंधकों की ओर से एक लेटर उसके घर भेज दिया गया, जो कि उसकी पत्नी जो उस समय 6 महीने से गर्भवती थी ने पढ़ लिया, जिससे पीड़ित की पत्नी को एकदम से सदमा लगा और वह बीमार पड़ गई, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। ज्ञानचंद ने बताया कि कंपनी में हमेशा ही उनके साथ प्रमोशन, वेतन वृद्धि व अन्य मामलों में भेदभाव किया जाता है और इसके साथ उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ज्ञानचंद का कहना है कि उपरोक्त लोगों से उसको जान का खतरा भी बना हुआ है। उधर कंपनी के पदाधिकारी संजय जैन से बात की गई तो उन्होंने कंपनी के कामगार के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, उन्हें पुलिस के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि ज्ञानचंद ने पुलिस में भी इसकी मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्लस के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। सर, 8 साल से मेरे साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कम लगा रहे हैं, जूनियर आदमी को ज़्यादा इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, जिनकी एजुकेशन भी कम है, वर्क एक्सपीरियंस कम है, यहाँ पे उनका बहुत भाई भतीजावाद फैला रखा है। अमीर राणा है, प्रवीण राणा है, मुर्मू ने, और अलोक भारदा जो प्लांट अभी लाया है, नया इंडी के द्वारा लाया हुआ आदमी है, और मतलब सर इन्होंने इतना प्रसार कर रखा है मेरे को 7-8 साल से, तो हर चीज़ में, और जैसे प्रमोशन में हो गया या दूसरी चीज़ों में हो गया, इंक्रीमेंट के मैटर में हो गया, तो सर मेरे पिछले साल का कंप्लेंट भी दिया था और फिर बाद में उस कंप्लेंट का समझौता जैसे सजीत ने करवा दिया। सजीत ने ऐसा बोला कि चलो आपका पैसा भी बढ़ा देते हैं और आपको डेजिनेशन भी इंडियन स्टोर में लिखा दे देते हैं। इसके बाद मैंने जो है काफ़ी मेले डाली, जो मेले सब MD लोगों ने भी पढ़ी हुई है, जी सर ने, विजय सर ने, प्लांट हेड ने, और अपना मेंटेनेंस मैनेजर जो भी है, परचेज मैनेजर, HR जो HRD है, सबको पता था।
उन्होंने जानबूझ के मेरे को हरासमेंट किया, टॉर्चर किया और झूठे ब्लेम लगाए मेरे ऊपर इस तरीके को कैसे। और जबकि मैं इस कंपनी में बहुत ईमानदार से 7-8 साल से काम किया, इनके विरुद्ध मेरे पास 2 फाइलें भी हैं और मैंने हर मेल MDO को भेजी, MDO को भेजी, लेकिन MDO ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सर तो ऐसा अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि जिसमें हरास किया जा रहा है, बल्कि हमें लोगों के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि वो हमें बोलता है कि मुझे हरास किया जा रहा है और मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, मेरा प्रमोशन किया जाए। वो जो भी प्रमोशन का क्राइटेरिया जहाँ तक होता है, वो जो भी इट इज़ नॉट द इनहेरेंट राइट ऑफ द एम्प्लॉय, वो यदि हमारे पास पोजीशन खाली है उसकी और हमें लगता है भी वो कैलिबर है लड़के में, कोई भी है टैलेंट है उसके अंदर, तब उसका क्राइटेरिया होता है मैनेजमेंट के आगे पुटअप किया जाता है, तब उसकी प्रमोशन की जाती है, ना कि कोई भी डिमांड पे प्रमोशन की जाती है कहीं भी कि मुझे प्रमोट किया जाए।